मतलब कूटनीतिक रास्ते से इसराइल ने इस प्रस्ताव के खिलाफ भारत का जो साथ मांगा था, भारत ने उसे पूरा कर दिया। भारत ने सच्चे मित्र की भूमिका अदा करते हुए इस मतदान में हिस्सा नहीं लिया, जिसमें से एक था गाजा में इजरायली सेना की कार्रवाई अविलंब रोके जाने, वहां की घेराबंदी को खत्म किए जाने और इजरायल के हथियारों की आपूर्ति रोके जाने से संबंधित प्रस्ताव पारित हो गया था। के यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल में एक रेजोल्यूशन पेश होती है और वो रेजोल्यूशन है कि इजरायल को हथियार ना दिए जाए। इसमें जो इंडिया का स्टैंड आया है वो, जिसमें कि एम्बार्गो की या हथियार ना देने की, ये अमेरिका से कहा गया है कि इसको हथियार ना दिए जाए, बल्कि पूरी दुनिया के कंट्रीज से ये कहा गया है कि इजराइल को वेपन्स ना दिए, तो उसके ऊपर इंडिया ने उसको सपोर्ट नहीं किया। देन इंडिया इज ऑब्वियसली रीजनल पावर नाउ, एक रीजनल पावर है भाई इंडिया, इंडिया इज सेमी पेरिफेरी। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में आप देखें, आप इस तो इससे क्या मुराद है कि जहां पे हम नहीं हैं, वो ये इसीलिए कहते हैं ना कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। इंडिया कहां खड़ा था भाई साहब? इंडिया कहता है भाई ना तो मैं हां में ना ना में मैं एब्स्टेन कर रहा हूं। अब आप कहोगे इंडिया ने साथ थोड़ा दिया, एब्स्टेन किया, अपनी एक बात रखता और मजबूती से रखता है वो। इंडिया अगर ये कहता है हां इसराइल ने वार क्राइम किए, तो यहां समझ लीजिए इसराइल की खाट खड़ी हो जानी है, इसराइल के ऊपर और दबाव बनेगा। अगर इंडिया ये कहता है ना इसराइल ने कोई वॉर क्राइम नहीं किया, तो इसका मतलब ये है इसराइल को एक ऑक्सीजन मिल जाएगी और वो और ज्यादा मारेगा। कि इंडिया कितना स्ट्रॉन्ग पार्टनर है इसराइल का, मतलब कि वो तो हाथों में हाथ डाले हुए दो कंट्रीज है, इसराइल और इंडिया। लेकिन फिर भी इंडिया ने जहां पर असूली मौके एक ऐसा स्टैंड आना चाहिए था जिसके ऊपर उसने कहा माना कि हाँ ये बात जो है ये सही है। जय हिंद दोस्तों। दोस्तों यूएनएससी में एक प्रस्ताव लाया गया मुस्लिम देशों की तरफ से, पाकिस्तान इस प्रस्ताव को लीड कर रहा था। दोस्तों पाकिस्तान लीड इसलिए कर रहा था ना क्योंकि इसराइल के खिलाफ प्रस्ताव है, ठीक है। दोस्तों पाकिस्तान में इसराइल के खिलाफ बहुत नफरत भरी हुई है, क्योंकि पता नहीं कहां से मदरसे में ये पहले नंबर पे इसराइल से नफरत करते हैं, दूसरे नंबर पे भारत से। तो पता नहीं क्या सीन है, कोई मजहबी सीन है इनका, मौलाना टाइप के लोग हमेशा इसराइल की खिलाफत करते रहते हैं अधिकतर जो पाकिस्तान में मैं देखने को मिलता है। सो पाकिस्तान ने इस जो है प्रस्ताव को लीड किया और मुस्लिम देशों ने पाकिस्तान को इसलिए आगे कर दिया कि भाई इसराइल का गुस्सा, यूएसए का गुस्सा कौन झेलेगा, ठीक है, ले जाओ इस पाकिस्तान को ही आगे करो फिर। सो पाकिस्तान ने इसको लीड किया और लीड करने का फायदा ये हुआ दोस्तों कि सभी मुस्लिम देश ने तो इसके पक्ष में वोटिंग की और ये रेजोल्यूशन बहुमत से पास भी हो गया, क्योंकि जिसके साथ अधिकतर मुस्लिम देश की नंबर्स ज्यादा है सो उन्होंने वोटिंग करके इसको पारित तो करवा दिया। लेकिन जो ताकतवर देश है जो अधिकतर इसराइल को हथियार देते हैं उन्होंने नो कह दिया, जैसे यूके हो गया, जैसे अपना फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, ठीक है, इसके बाद फिर यूएसए हो गया। इन्होंने कहा भाई तुम कितना भी यूएनएससी में रेजोल्यूशन पास कर लो, हम देंगे असला। भारत उन देशों में से था जिन्होंने कुछ भी नहीं कहा इस पे, भारत ने ना यस करा ना नो किया, ठीक है। इनडायरेक्ट वे में ये माना जा रहा है कि भारत ने एक तरीके से इसराइल की सहायता की। तो दोस्तों इसमें जितने भी दुनिया के ताकतवर देश हैं, यूरोप के देश, फ्रांस, यूके, इन सब ने वोट नहीं दिया, ठीक है। यूके ने तो कहा नहीं हम देंगे कुछ भी कर लो, यूएन में प्रस्ताव पारित हो जाए फिर भी हम देंगे इसराइल को असलाह बारूद और हथियार। भारत ने इस वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया। मिला जुला के 90% मुस्लिम देशों ने इस वोटिंग में हिस्सा लिया और उन्होंने ही इस प्रस्ताव को पारित करा दिया। लेकिन प्रस्ताव पारित होने का फायदा ही क्या है, जब जो सैन्य सहायता दे रहे हैं वो तो देते रहेंगे, ठीक है। और भारत ने भी इस वोटिंग में कुछ ना कहने से इनकार कर दिया। यही वजह है कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में इसराइल के खिलाफ फिलिस्तीन में मानवाधिकारों के उल्लंघन को लेकर लाए गए दो प्रस्तावों पर भारत ने वोटिंग नहीं की, मतलब कूटनीतिक रास्ते से इसराइल ने इस प्रस्ताव के खिलाफ भारत का जो साथ मांगा था, भारत ने उसे पूरा कर दिया। यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल में एक रेजोल्यूशन पेश होती है और वो रेजोल्यूशन है कि इसराइल को हथियार ना दिए जाए। लेकिन ये रेजोल्यूशन यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल में पेश की जाती है पाकिस्तान की तरफ से। कैन यू इमेजिन, पाकिस्तान की तरफ से वहां पर ये रेजोल्यूशन पेश की गई और इसमें इसराइल पर एम्बार्गो लगाने की तजवीज रखी गई, यानी ये कि इसराइल को हथियार ना दिए जाएं। तो इस रेजोल्यूशन को पास कर दिया गया है और उसमें जिन कंट्रीज ने इसको सपोर्ट किया है उनकी तरफ से ये बात इसको सेकंड किया गया है कि इसराइल को हथियार ना दिए जाएं। इसमें जो इंडिया का स्टैंड आया है वो, जिसमें कि एम्बार्गो की या हथियार ना देने की, ये अमेरिका से कहा गया है कि इसको हथियार ना दिए जाए, बल्कि पूरी दुनिया के कंट्रीज से ये कहा गया है कि इसराइल को वेपन्स ना दिए, तो उसके ऊपर इंडिया ने उसको
सपोर्ट नहीं किया। सवाल ही पैदा नहीं होता, नेवर एवर। आपको पता ही नहीं है ये कितने डीप रूटेड ताल्लुकात हैं, ये इतने डीप रूटेड ताल्लुकात हैं कि और दोनों के इंटरेस्ट में, ठीक है ना जी। सो इनका ये जो ब्राह्मोस मिसाइल है विद द सपोर्ट ऑफ द रशियन, ये सारे का सारा एक आप समझ लीजिए एक्सपोर्ट क्वालिटी चीज़ है। जो काम वो रशिया नहीं कर सकता वो इंडिया करेगा, तो इंडिया ले गया ना फायदा रशिया का, फिर इंडिया ले गया, बेच गया ना रशिया को भी बेच गया कि भाई रशिया के साथ मिलकर ज्वाइंट प्रोडक्शन की। लेकिन रशियन वेपन, जैसे मैंने सिपरी की रिपोर्ट का आपको बताया कि रशियन जो आर्म सप्लाई है दुनिया में वो 22% से 16% पे आ गई अभी, ठीक है। 5-10 साल 7 साल पहले 22% था उनका ग्लोबल शेयर जो था आर्म सप्लाई का, अब वो 16% पे आ गया। अब उसी का इंडिया फ़ायदा उठाएगा, अगर 1.8 बिलियन डॉलर का डिफेंस इक्विपमेंट बेचा है तो देन दे आर प्लानिंग अनदर टू ईयर्स में वो $5 अरब बेचेंगे। लेकिन जो भी है ये एक नया एडवांटेज है। अब इंडिया की जो डिफेंस इम्पोर्ट है वो भी कम हो रही है स्टेप बाय स्टेप, जैसे हमने कहा था ना कि फ्रॉम 2018 टू 2022 इंडिया वाज द लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर विद ऑलमोस्ट 11% ऑफ द टोटल इंपोर्ट ऑफ द वर्ल्ड वाज गोइंग इन दिल्ली। अब उन्होंने उसको कम किया, मेरा ख्याल है उसको 45% पे ले आया। बहरहाल ये एक इट टेल्स द स्टोरी, द स्टोरी इज क्लियर कि साउथ चाइना सी के अंदर इंडियंस आर एंजॉइंग जिसे कहते हैं ना वल्नरेबिलिटी ऑफ दैट रीजन। बट पाकिस्तान का केस बड़ा कमज़ोर हो रहा है, पाकिस्तान का केस इसलिए कमज़ोर हो रहा है कि पाकिस्तान के पास चॉइस भी नहीं है, पैसे भी नहीं हैं, और वो जिसे कहते हैं ना कम्फर्ट भी ख़त्म होती जा रही है। अब देखें ना चाइना के पास जब पाकिस्तान जाता है तो 5000 चीज़ें तो पहले स्लिप पर लिखी होती हैं, ए भी मंगना है। बाद में कहते हैं सारा थोड़ा जहाँ कोई जाना ना, कोई गोली शोलियाँ बरूद भी दो, कोई वेपन वूपन, कोई बम बरूद भी दो। So, ये चीज़ें जो हैं, ठीक है जी, ये ऑब्वियसली कहीं रोकती तो है ना। सो इंडियन जो पॉलिसी मेकर्स हैं या उनकी जो मिलिट्री है वो एक बड़ी इस वक्त तो उनका जो मूड है वो ऐसे जा रहा है, और वो इसलिए ऐसे जा रहा है कि भाई ये जो वेपनाइजेशन हो रही है वहाँ पे चेक ही कोई नहीं है। पहले चेक होता था, अगर कोई वेस्ट पाकिस्तान को कुछ दे रहा है तो इंडिया ने शोर मचा देना, अगर वेस्ट इंडिया को कुछ दे रहा है तो पाकिस्तान शोर मचा देता था। अब ना वो पाकिस्तान से पूछते हैं, ना वो कोई बात करते हैं, ना वो हमसे कोई इंगेज करते हैं, वो दिए जा रहे हैं, वो लिए जा रहे हैं, वो कहते हैं यार परा जो साढ़े को देते पैसे साढ़े को तुझे की रोला पाया, दे हैव द मनी एंड दे आर आर फ्रेंड्स, स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है। देखिए ना जी, रशियन जो फ्रेंच प्रेजिडेंट एमनुअल मैक्रॉन को उन्होंने फ़ोन किया, उन्होंने कहा यार आ जाओ, बाइडन नहीं आया, उन्होंने कहा ठीक है मैं आ जाना कोई गल नहीं। और आपको मैंने पहले भी कहा था मोदी गवर्नमेंट ने डेलिब्रेटली ये किया था जो इसको बुलाया था मैक्रॉन को, बिकॉज मैक्रॉन फ्रांस के और अमेरिका के बड़े प्रॉब्लम्स हैं बहुत ज़्यादा, इस पर फिर कभी बात करेंगे, बिकॉज एक ही इम्पॉर्टेंट पावर है पूरे यूरोप में वो फ्रांस है, जर्मनी भी है लेकिन मिलिटारली पोलिटिकली डिप्लोमेटिकली इकोनॉमिकली, ठीक है, वो जो यूरोप के अंदर वो एक डिफरेंट पोजिशन रखती है। आपको याद होगा कि जब एमनुअल मैक्रॉन चाइना गए तो वो अपने साथ ईयू चीज साथ ले गए, और वहाँ पे जाकर उन्होंने कहा कि इट्स नॉट देयर इज देयर नॉट ओनली टू पोल्स ऑफ पावर इन द वर्ल्ड, इट्स नॉट चाइना एंड अमेरिका, द थर्ड पोल ऑफ पावर इज यूरोप, हम भी उधर हैं, सानू भी पूछो, डील करो हमारे साथ, हमारी भी ज़रूरियात हैं, ठीक है ना, हमारी भी ज़रूरियात हैं, हम भी हैं, हमें भी पूछा जाए, ये नहीं है कि चाइना और अमेरिका फैसला करेंगे। सो बेसिकली वो कॉन्टेक्स्ट में इंडो पैसिफिक की कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे थे कि कैसे इंडियंस जो अमेरिकन्स हैं उन्होंने इंडो पैसिफिक के अंदर यूरोपियंस को बिल्कुल इग्नोर कर दिया, वो ऑकस और क्वाड जैसे जो प्लेटफॉर्म बन गए उसकी वजह से वो कम्प्लीटली इग्नोर हो गए यूरोपियंस। तो उन्होंने कहा यार ये अच्छी बात है, दोस्ती हमारे साथ है, मल्टीलैटरल ताल्लुकात ये वो गल्लां सानू सुनाने ने, ठीक है, और लेकिन ताल्लुक जो है वो हमें वहाँ लेके नहीं गए। सो और वहाँ पे वो जैसे कहते हैं वो फाइव आइज जो हैं, ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड, कनाडा, ये इनकी एक ऑलमोस्ट अप्रोच है। हालांकि ऑकस बनाया वो ऑस्ट्रेलिया, यूएस, यूके है।